तो अब मैं घर आ चुका हूँ। अभी मैं हूँ अरगड्डा में, अपना घर में, और मैं अभी निकला हुआ हूँ अरगड्डा बस घूमने के लिए दोस्त के साथ। काफ़ी टाइम हो गया मैं अपना घर के आसपास का ब्लॉग नहीं बनाया हूँ। तो यही वो एरिया है जहाँ पे मैंने अपना बचपन बिताया है, और यहाँ खेलने आते थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था हमको। बगल में जो आप ये ग्राउंड छोटा सा देख रहे हैं, यहीं पर हम लोग आकर खेला करते थे। और ये छोटा सा टेम्पल जो है, ये काफ़ी साल से बन ही रहा है। बहुत बार यहाँ भंडारा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रास्ता सीधा जाता है हमारे घर साइड का, एक खटाल है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग दूध लेके आते थे। और सामने में आपको राइट साइड में एक दुकान जो कि बंद है वो दिख रहा होगा। यहाँ से हमारे घर में राशन आता था, बहुत साल पहले का बात है ये। और सीधा अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा बस स्टैंड आएगा स्कूल जाने वाला। और अभी हम लोग दोनों बाइक में बैठकर एक लंबी राइड पे निकले हुए हैं, क्योंकि हमको एक्चुअली आसपास का कुछ ब्लॉग बनाना था काफ़ी। तो आई होप कि इस बार का जो वीडियो है वो आप लोग को पसंद आएगा। और इसी जगह पर हम लोग अपने स्कूल के बस का वेट करते थे। हम लोग का बस कितना भी बजे, हम लोग आधा एक घंटा पहले आ जाते थे। और ये जो पूरा रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। 5 क्लास तक हमारा बस ऊपर आता था, लेकिन 6 के बाद से हमारा बस नीचे आने लगा, क्योंकि ऊपर फिर बस नहीं चढ़ता था। वो बच्चों के लिए स्पेशल था, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पहले ट्रैफिक हुआ करता था। तो हर ग्रुप में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जिसका घर जाकर उसको थोड़ा सा परेशान तो हम लोग करते ही हैं। तो ये है सिद्धार्थ, जिसका घर आके हम लोग पानी तो सबसे पहले मांग ही लेते, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। फाइनली मेरा दिल्ली ट्रिप कम्प्लीट हो गया, और अभी मैं हूँ अरगड्डा में अपना घर। कुछ दिन के बाद मैं चला जाऊँगा रांची, क्योंकि वहाँ पर मेरा कॉलेज कभी भी खुल सकता है। तो अभी मैं हूँ अपना दोस्त एक सिद्धार्थ है उसका घर के पास, क्योंकि इसका घर में वाईफाई है। और हम और इंद्रदेव ये जो है, हम लोग आते हैं यहाँ पर बस इंटरनेट ही चलाने के लिए। ये भी यहाँ डाउनलोड कर लेता है और हम भी कुछ डाउनलोड कर लेते, क्योंकि हम लोग को बस 2.5 GB पर डे मिलता है, उससे कुछ काम ही नहीं हो पाता है। तो सही है, एक दोस्त के यहाँ वाईफाई होना ही चाहिए। तो मैं भी छोटा में इसी तरह ट्यूशन जाता था बैग लेकर या फिर हाथ में कॉपी लेकर, वो याद करके काफ़ी मज़ा आता है। वो सच में स्पेशल डे था मेरे लाइफ का। और ये जो रास्ता है ये सीधा चला जाता है हमारा अरगड्डा का फुटबॉल स्टेडियम, और सामने में ही मेरा फ्रेंड इंद्रदेव रहता है। ये रास्ता जो आपको आगे दिख रहा है वहाँ पे रहता है, वो यहाँ से डेली जाता है मेरा घर तक, लगभग 2 किलोमीटर होगा या फिर 1.5 किलोमीटर होगा, उसी के आसपास होगा। और सामने में आपको राइट साइड में एक स्टेडियम दिखेगा जो मैं दिखाऊँगा, और लेफ्ट साइड में एक CCL का ऑफिस है जहाँ ट्रेनिंग सब होता है। और ये ग्राउंड में हम लोग बचपन में आते थे, हम लोग तो काफ़ी टाइम साइकिल भी चलाए हैं, फिर क्रिकेट भी खेले हैं, और सिंपल बस बैठे भी रहते। आजकल हम लोग बस बैठे रहते और नज़ारा देखते रहते, आसपास क्रिकेट होता है, कुछ लोग रनिंग का ट्रेनिंग करते हैं। तो इधर से हम लोग दामोदर नदी जाते हैं, और इधर से जा रहे हम लोग अभी सिरका। ये नया पुल बना है, लगभग 1-2 साल ही हुआ होगा, लेकिन वो रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग इधर से जाते हैं हमेशा। अभी ऊपर चढ़ के चलते हैं सिरका। तो अभी मैं हूँ सिरका में आकाश के घर में, और बरसात के टाइम छोटा छोटा सांप आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलेगा। तो हम लोग उससे मिलके वापस आ चुके हैं सिद्धार्थ का घर में, और यहाँ पर ये बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें भी काफ़ी ज़्यादा मन करता था इससे पहले क्रिकेट खेलने का, और बॉल किसी के घर में से मारने का फिर आउट होता था, और कभी कभी लड़ाई भी हो जाता था, कुछ लोग बोलते भी थे कि घर का शीशा तोड़ दिया। तो मैंने थोड़ी देर पहले अरगड्डा स्टेडियम के बारे में जो कहा था, मैंने सोचा कि एक बार और जाकर उसका वीडियो भी बना लूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पर एक ट्रेनिंग के सर भी है जो ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर आप लोग चाहते उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इधर हमारा ये लोग क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, कुछ लोग टहलने के लिए आए हुए हैं। तो बेसिकली अरगड्डा एरिया में ये जगह खेलकूद के लिए एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कुछ लोग सिंपल बैठकर बस गेम देख भी रहे हैं। तो आज हम लोग निकले इसीलिए थे क्योंकि हमें करना था व्लॉगिंग, और हम लोग अरगड्डा सिरका घूम लिए। तो अब हम लोग रामगढ़ चले गए, वहाँ एक दोस्त के साथ हम लोग खाए हैं ये समोसा, और अभी बज रहे रात के 9, ये जा रहा अपना घर, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप गाइस कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।